हाल ही में यमन के हूती ने एक बहुत बड़ा युद्धाभ्यास किया था। हूती की इस मिलिट्री ड्रिल में उसकी सारी फोर्सेस जैसे नौसेना, तटरक्षक, ड्रोन फोर्स और मिसाइल फोर्स ने हिस्सा लिया था। इस दौरान हूती ने काल्पनिक रूप से अमेरिका, इजराइल और ब्रिटेन से युद्ध की स्थिति में कैसे जवाबी हमला किया जाए इसका युद्धाभ्यास किया था। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इस युद्धाभ्यास में हूती ने अपने कई ऐसे हथियारों की नुमाइश की थी जिसका इस्तेमाल उसने अभी तक नहीं किया। दरअसल अब हूती ने एक ऐसे समुद्री ड्रोन से पर्दा उठा दिया है जो लाल सागर में इजराइल और अमेरिकी जहाजों का काल बन सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हूती के अलकार या समुद्री ड्रोन की, जो आने वाले वक्त में लाल सागर और एडन की खाड़ी में एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। हूती का कहना है कि उसे आने वाले वक्त में समुद्री फ्रंट पर एक बड़ा खतरा हो सकता है, जिससे निपटने के लिए ये ड्रोन उसकी मदद करेगा। हूती के मुताबिक इस ड्रोन के दम पर उसकी नौसेना समुद्र में और ज्यादा सटीक हमले कर पाएगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि हूती ने इस ड्रोन के जरिए अपने दुश्मनों को एक बड़ा संदेश दिया है। वो ये कि अगर भविष्य में उसके खिलाफ कोई आक्रामकता की गई, तो वो उसका जवाब देने में हिचकिचाएगा नहीं। लेकिन इस सब के बीच बड़ा सवाल ये है कि आखिर अचानक से हूती के पास इस तरह के मॉडर्न हथियार बनाने की टेक्नोलॉजी कहां से आई। तो आपको बता दें कि पिछले महीने ही हूती ने अमेरिकी नौसेना का एक समुद्री ड्रोन रेमस 600 को यमन के तट पर पकड़ा था, और कई रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि अमेरिका के इस समुद्री ड्रोन का अध्ययन हूती के मिलिट्री एक्सपर्ट्स और इंजीनियर्स ने किया था, और ऐसा माना जा रहा है कि इसके बाद ही हूती ने अपना नया समुद्री ड्रोन अलकारिया बना दिया। ऐसे में कुछ जानकार ये कह रहे हैं कि हूती का नया ड्रोन अमेरिकी ड्रोन की क्लोन कॉपी है। गौर करने वाली बात यह है कि जिस अमेरिकी ड्रोन को हूती ने पकड़ा था उसकी स्पीड 9.3 किलोमीटर प्रति घंटा है, और वो समुद्र में 5.6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 70 घंटों तक दौड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ लाल सागर में अगर हूती के हमलों की बात की जाए तो इस समुद्री रूट पर हूती अभी तक 130 से ज्यादा हमले कर चुका है। हूती के ज्यादातर हमले मालवाहक जहाजों, इजराइल और अमेरिका के युद्धपोतों और माल ढुलाई करने वाले जहाजों पर हुए हैं। बड़ी बात यह है कि हूती के इन हमलों से दुनिया का शिपिंग ट्रेड पूरी तरह से गड़बड़ा गया है, और लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली स्वेज नहर से गाजा युद्ध से पहले दुनिया का करीब 10-15% ग्लोबल ट्रेड होता था, लेकिन हूती के हमलों की वजह से ये व्यापार चौपट हो गया है, और अब शिपिंग कंपनियां हूती के हमले से बचने के लिए दक्षिण अफ्रीका वाले केप ऑफ गुड होप रूट का इस्तेमाल कर रही हैं, जो न सिर्फ
बेहद ही लंबा है, बल्कि इस रूट से माल ढुलाई में दो गुना खर्चा भी आता है।